Hey, what's going on internet? This is Vivek from Tech with VP. Your problem, our solution. Currently, we are in the section 3.3, select operation. So, ये जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है रियल एम डेटाबेस की, उसके हम सेक्शन 3.3 में हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले क्वेरी सिलेक्ट ऑपरेशन, कि आप रियल एम डेटाबेस से वैल्यूज को कैसे फेच कर सकते हो। सो वैल्यूज फेच करने के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट है रियल एम क्वेरी और यहाँ पे रियल एम रिजल्ट। अगर आपको अलग अलग क्वेरीज क्रिएट करनी है तो या आप यहाँ पे रियल एम क्वेरीज का यूज कर सकते हो, और अगर आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए तो डायरेक्ट आप उसको रियल एम रिजल्ट में स्टोर कर सकते हो। ये रियल एम रिजल्ट जो डेटाबेस से वैल्यूज आएगी उसको होल्ड करेगा। सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है रियल एम क्वेरी। यहाँ पे आपको मॉडल पास करना है, देन वेरिएबल का नेम, और रियल एम डॉट यहाँ पे वेयर मेथड का यूज होता है, और उसके अंदर आपको पास करना है स्टूडेंट डॉट मतलब स्टूडेंट मॉडल, आपका जो क्लास है स्टूडेंट का वो आपको यहाँ पे पास करना है। देन अगर आपको देन आपको रिजल्ट एग्जीक्यूट करना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट फाइंड ऑल। सो उससे क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स हो गए आपके डेटाबेस में वो निकल के आपको रियल एम डॉट रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। सो क्वेरीज टाइप्स, कि आप कौन कौन सी क्वेरीज को रियल एम में फायर कर सकते हो। सो फर्स्ट है फिल्टरिंग क्वेरी, सॉर्टिंग क्वेरी, लिमिटिंग रिजल्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूनिक वैल्यूज, चेनिंग क्वेरी, लिंक क्वेरी, एग्रेशन एंड एसिंक्रोनस क्वेरी। इस वीडियो में हम सिर्फ तीन के बारे में बात करेंगे और बाकी क्वेरीज को हम फ्यूचर में देखेंगे। व्हाई थ्री क्वेरीज, बिकॉज अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थ्री क्वेरीज को ही सिलेक्ट किया हुआ है। सो चलो आते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक ड्रॉप किया था, यहाँ पे हमने इंसर्ट तक ड्रॉप किया था, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा जो एक्टिविटी है वो लोड होगी और जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो डेटाबेस की जो सारी वैल्यूज है वो कंसोल पे प्रिंट होगी, तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। सो ये चीजों को हम अभी के लिए इनको कॉमेंट ही रहने देते हैं, राइट। सो अब हम फिर से एक और रियल एम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूशन को हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू ट्रांजेक्शन, और अब हम यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, रियल एम क्वेरी, और यहाँ पे हम पास करेंगे स्टूडेंट, और एसटीडी इज इक्वल टू रियल एम डॉट वेयर, और यहाँ पे आपको पास करना है स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास। तो ये जो हमारी क्वेरी है वो रेडी है। सो अब आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी रिजल्ट में स्टोर करवा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, रियल एम रिजल्ट, और यहाँ पे भी हम हमारा स्टूडेंट को पास करेंगे, स्टूडेंट्स रिजल्ट्स इज इक्वल टू एसटीडी डॉट फाइंड ऑल, जिससे कि हमारे जो सारे रिजल्ट है सारी चीजें वो हमें मिल जाएगी। तो ऐसे ही बोलूँ कि हम इसको कॉन्सोल में प्रिंट करवाने वाले हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, फोर लूप का यूज करते हैं, फोर इंटीजर आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई इज लेस देन रिजल्ट डॉट साइज और आई प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट चीज जो हम प्रिंट करवाएंगे वो होगा आई डी। सो रिजल्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम पोजिशन देंगे मतलब आई डी, देन हम यहाँ से करेंगे गेट आई डी। सो इससे क्या होगा कि हमें आई डी मिलेगा, देन हम प्रिंट करवाएंगे नेम, प्लस करता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंबल ऐड कर देता हूँ पाइप साइन, और फिर से प्लस करते हैं और यहाँ पे हम अब करवाएंगे गेट नेम। गाइस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा इसीलिए। सो प्लस करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे पाइप साइन दे देता हूँ, और हम फिर से प्लस करते हैं, यहाँ पे अब हम गेट करवाएंगे एज। तो अब हम इसको रन करते हैं। सो आप देख सकते हो ये जो हमारा पूरा कोड है अभी ऑन क्लिक मेथड में, जो हमारी पिछले वीडियो में इंसर्ट में हमने बनाया हुआ था, तो उसी में हम अभी इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं। सो जल्दी से इसको रिस्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके जो पूरे रिजल्ट है उनको क्लियर कर देंगे, और जैसे हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे
यू कैन सी हमारे जो सारे आउटपुट्स है वो हमें यहाँ पे मिल गए। पहले हमने 1, 2, 3, 4, 5 आईडी दिए थे विवेक 1, 2, 3 एंड यहाँ पे हमने मल्टीपल एजेस दी थी। सो गाइस ऐसे आप यहाँ पे रिजल्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ हम बात करते हैं रिजल्ट की जो क्वेरी। सो फर्स्ट है फिल्टरिंग क्वेरी। सो हमें फिल्टर करना है तो हम कैसे उसको फिल्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे वेयर डॉट और यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें मिलते हैं। सो हम पहले क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। सो बिटवीन का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको पहले देना पड़ेगा फील्ड का नाम, तो आपकी फील्ड का नाम क्या है। सो डेटाबेस में हमारी जो फील्ड है उसका नाम है, एक बार चेक कर लेता हूँ। सो फील्ड का नाम है एसटीडी नेम। सो एसटीडी आईडी से हम फिल्टर करेंगे उसको आईडी, और यहाँ पे हमें दो वैल्यूज देनी पड़ेगी कि आपको कौन से आईडी के बीच में की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे 2, 2 करते हैं 5। सो फ्रॉम 2 to 5। सो हमें आईडी जो हमारा 2 से लेके 5 तक की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा। सो हम फिर से इसको रन करते हैं। ओके, तो ये रन हो चुका है। सो फिर से अब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो यू कैन सी गाइस 2, 3, 4, 5 इसने फर्स्ट जो था वो नहीं लिया। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर क्वेरी में, कि अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो नाम या कोई कॉलम के ऐसे आपको सर्च करनी है, लाइक हमें नेम से फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे इक्वल्स 2, मतलब यहाँ पे हम फील्ड को नेम से इक्वल्स करेंगे। लाइक मुझे ऐसे रिजल्ट चाहिए जिनके नेम स्टार्ट होते हो विवेक 1 से या विवेक 2 से। सो हम पहले हम फील्ड का नाम देंगे std_name और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देंगे। सो मैं यहाँ पे विवेक 2 दे देता हूँ और अब हम इसको रिटर्न करते हैं। सो ये एग्जीक्यूट हो गया है, अब इसको हम पहले इरेज करेंगे, अब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। सो यू कैन सी जो विवेक 2 था हमने उसने वही वैल्यू हमें प्रिंट करी, मतलब रिटर्न करी। सो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, लाइक अगर हमें यहाँ पे सारे रिजल्ट और उसमें से हमें क्या करना है कि लिमिटेशंस देनी है। लाइक डेटाबेस में बहुत सारी वैल्यूज होती है, अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट हमें 10 रिकॉर्ड्स मिले, 20 रिकॉर्ड्स मिले, तो वो चीज आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने फाइंड ऑल्ट किया और उसको हम लिमिट करेंगे डॉट, यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे दे देते हैं डॉट लिमिट। ओके, तो यहाँ पे आपको लिमिट देंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं 3, मतलब ये हमें 3 रिकॉर्ड्स तक लाके देगा। सो फिर से इसको रिस्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रिस्टार्ट हो चुका है, इसको डिलीट कर देंगे और हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सो यू कैन सी इसने लिमिट कर दिया, मतलब फर्स्ट 3 रिजल्ट तक हमें इसने प्रिंट करके दिया। अगर आप चाहते हो कि आपको फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट करना, ओनली फर्स्ट, जितने भी रिजल्ट आए उसमें आपको फर्स्ट रिकॉर्ड जो आ रहा है उसको ही प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फाइंड फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट होगा वही वो आपको प्रिंट करके देगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, VLM रिजल्ट को हटा के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको स्टूडेंट कर देना है, बिकॉज ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और इसको भी आपको कॉपी कॉमेंट कर देना है बिकॉज अभी हम कोई कलेक्शन नहीं यूज कर रहे, राइट। तो ये चीज हो गई। अभी भी ये आपको एरर दे रहा है, वाई, बिकॉज हमने यहाँ पे रिजल्ट का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज है मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरी चीज को हम कॉमेंट कर देते हैं और यहाँ पे फटाफट से पेस्ट कर लेता हूँ पेस्ट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गेट की जो गेट का जो फंक्शन हमने यूज किया है उसको रिमूव करना है, बस और कुछ। तो अब ये क्या करेगा, हमारे लिए जो फर्स्ट रिजल्ट फाइंड होगा वो ही हमें रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने अभी भी लिमिट का यूज किया है, मतलब ये हमें टोटल 3 चीजें रिटर्न करेगा, लेकिन हमने हमारा जो आउटपुट था, रिजल्ट था, उसमें से सिर्फ हमें फर्स्ट ही चाहिए, सो हमने उसकी वजह से उसको फर्स्ट में यूज किया है। अब हमें इसको क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी हमें सिर्फ और सिर्फ 1 रिकॉर्ड, मतलब जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वही मिला। सो हमने क्या किया, फिल्टरिंग कर दिया और लिमिटिंग कर दिया, लेकिन अब सॉर्टिंग बाकी है। सो हम लास्ट चीज देख लेते हैं सॉर्टिंग, तो इसको मैं अभी
डिलीट करता हूँ और इसी चीज को हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम फिर से हम इसको कर देंगे ELM result। और find first की जगह पे हम करेंगे find all। So, अब हम करेंगे short। So, short। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्ट्रीम फाइल नेम, यहाँ पे आपको फाइल नेम आपको देना पड़ेगा, फील्ड नेम नॉट फाइल नेम, कि आप कौन सी फील्ड से आप शॉर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम देते हैं आईडी तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, एज से करते हैं, चलो एज भी शॉर्टेड है बिकॉज हमने ओके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे, तो एसटीडी और आईडी दे देते हैं और यहाँ पे पास करते हैं शॉर्ट ऑर्डर। Ascending और descending, तो हम यहाँ पे करते हैं descending order और अब हम इसको run करते हैं। So हम insert पे क्लिक करते हैं। So guys आप देख सकते हो ID को इसने descending order में short कर लिया। So ये था हमारी तीन चीजें। अब हम चलते हैं यहाँ पे practical हमने finish कर दिया और अब हम आते हैं summary section। So हमने क्या किया कि ELM query और ELM result का आप कैसे use कर सकते हो वो हमने देख लिया और हमने देखा कि टाइप्स ऑफ क्वेरी कौन कौन सी क्वेरी आप फायर कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट है इतनी क्वेरीज आप ELM में फायर कर सकते हो, बहुत कुछ है इसमें क्वेरीज में, लेकिन सारी चीजों को मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करने जाऊंगा बताने जाऊंगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हमने क्या किया कि फर्स्ट थ्री क्वेरीज को ही लिया, फिल्टरिंग, शॉर्टिंग एंड लिमिटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अपडेट ऑपरेशन, क्या आप कैसे ELM डेटाबेस में वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कॉलेज में हो और ये वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने फैकल्टीज को भी सजेस्ट कीजिए कि SQLite तो आप सिखाए लेकिन एक बार ये भी चीज देखे कि ELM कितना ईजी है, और बिगिनर्स के लिए बेसिकली ये बहुत ईजी रहेगा डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं, बाय बाय।